हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे शो पे मेरा नाम है अपेय शर्मा मैं एक सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट फिटनेस कोच एंड जिम एंड कब कंसल्टेंट हूँ हमारे शो पे मैं बात करता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड किसी ना किसी टॉपिक पे और आज मैं बात करने वाला हूँ रिलेशनशिप बिटवीन इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ब्रेन कॉग्नेटिव फंक्शनिंग देखिए हमारा जो ब्रेन का फंक्शनिंग है उसके पीछे खराब होने का तो काफ़ी रीजनस हैं लेकिन उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट रीज़न हो सकता है जो है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि जब भी हमारे बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करने लग जाते हैं खुद के अंदर एंटर होने के लिए उस कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन का वर्किंग है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लीवर से कैरी करके बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाना हमारे बॉडी के सारे सेल्स को अगर उनका रॉ मटेरियल ना मिले इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स और दूसरे वाइटामिन एंड मिनरल्स तो हमारे जो बॉडी के सेल्स से, हैं वो इन अप्रोप्रिएटली फंक्शन करने लग जाते हैं और ये कंडीशन बिगड़ते जाए अगर टाइम के साथ तो वो सेल्स मरने भी लग जाते हैं जिसके वजह से फ्यूचर में काफ़ी इश्यूज फेस करने लग जा करने पड़ते हैं हमें हमारी लाइफ में और अगर ये कंडीशन और ख़राब होए तो डेथ भी इस वजह से हो जाती है तो अब बात करते हैं ब्रेन फंक्शनिंग के बारे में देखिए हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको भी आ, हर एक मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है अब इंसुलिन का जैसे मैंने आपको बताया कि काम है इन सारे रॉ मटेरियल को कैरी करके लीवर से हर एक सेल तक पहुंचाना तो हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं अगर उनको रॉ मटेरियल प्रॉपरली नहीं मिला तो वो इन अप्रोप्रिएटली फंक्शन करने लग जाते हैं और मरने लग जाते हैं जिसके वजह से हमारा ब्रेन बराबर डिसीजन नहीं ले पाता है और जो उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो इनएप्रोप्रिएटली करने लग जाता है तो अब करें तो क्या करें देखिए सबसे बेस्ट तरीका है अगर हम चाहते हैं हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली वर्क करे उसके जो फंक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे ऑप्टिमली परफॉर्म करें तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें हमारी लाइफ में हमारे लाइफ स्टाइल चेंज करके हमारे डाइटरी पैटर्न को चेंज करना होगा हमें हमारी डाइट में से शुगर्स को बिल्कुल हटाना होगा साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है उसको जितना हो सके उतना मिनिमल करना होगा इससे होगा ये कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो एक रेंज में होगा साथ ही साथ जो हमारी बॉडी ए, के जितने भी सेल्स हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाएंगे इंसुलिन को लेके यानी होगा ये कि जब भी हम कुछ हेल्दी खाना खाएंगे हमारी डाइट में तो सारे न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेशन लीवर के पास जाएंगे और लीवर उनको इंसुलिन के थ्रू हर एक सेल्स तक लेके जाएगा और जब हर एक सेल इंसुलिन को लेकर सेंसिटिव हो जाएंगे तो वो ईजिली उस इंसुलिन को अपने अंदर एंटर करने देगा जिसके वजह से उनको सारे मटेरियल्स मिलेंगे और जिसके वजह से वो उनको फर्दर प्रोसेस करके प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाएंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ पे मैं वापस से किसी ना किसी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक पे बात करूँगा तब तक ले थैंक यू अगर तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स को मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन करना और बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप होंगे सबसे पहले जिनको मेरे न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स के बारे में पता चलेगा थैंक यू